हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हिंदी साहित्य के 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती को हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो 1950 के पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि है, तो सूरदास जी ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद में हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, तो कबीरदास जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो 1900 से अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कमायनी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। कबीर किसके शिष्य थे, या फिर कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर थे रामानंद के शिष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी है? तो पद्मावत महाकाव्य जो है वो अवधी भाषा में लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपू किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य से मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी सिंह। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है, प्रेमचंद्र का उपन्यास जो अधूरा रह गया था वो था मंगलसूत्र। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तुलसीकृत रामचरित मानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो तुलसीकृत रामचरित मानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को ये मिला होगा। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, तो इंदुमती जो है वो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर उन्होंने रक्त चंदन की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था?
तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम था अलंकार शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये थे केशव दास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द जो है वो सहित शब्द से बना हुआ है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो ये हुआ था भारतेंदु युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो ये हैं श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह किसने कहा? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्द में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में दो भागों में बांटा गया है, लिखित और मौखिक। तो ये थे हमारे 45 क्वेश्चंस। अब हम कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को देख लेते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कुछ मुहावरे जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कांटों पर लेटना, तो इसका अर्थ होता है दुख से लड़ना। कान पकड़ना यानी कि गलती स्वीकार करना। कलेजा दो टूक होना यानी कि बहुत दुखी होना। कान में तेल डाले बैठना यानी कि अनसुनी कर देना। कानो कान खबर न होना, किसी को जानकारी न होना। आप लोगों को देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह के मुहावरे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा कर देख सकते हैं। कानू का खजाना यानी कि कुबेर का कोष या फिर अतुल धनराशि। काशी करवट लेना यानी कि कठोर से कठोर दुख सहना। अगला देखते हैं, कूच कर जाना यानी कि प्रस्थान कर जाना। कूप मंडूप यानी कि संकुचित ज्ञान वाला। काठ की पुतली होना यानी कि शक्तिहीन होना। कान खड़े होना यानी कि भयभीत होना, चौकन्ना होना। कुत्ते की चाल आना, बिल्ली की चाल आना यानी कि बहुत जल्द आना। अगला प्रश्न देखते हैं, कुम्हरे की बतिया यानी कि कोमल और असक्त व्यक्ति। कुल्हिया में गुड़ फोड़ना यानी कि छिपाकर काम करना। कलेजा मुंह को आना यानी कि दुख होना। कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा रह जाए यानी कि प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। कैफियत तलब करना यानी कि कारण पूछना। काले के आगे दिया नहीं जलना यानी कि बलवान के आगे किसी का वश नहीं चलना। कोयल होए ना उजली, सोमन साबुन लाए यानी कि कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। कोई नृप होई हमें कहा नहीं यानी कि परिवर्तन का प्रभाव न पड़ना। कोढ़ी डरावे थूक से यानी कि निर्बल ओथे आचरण से दूसरे को डराते हैं। कोठी बैठना यानी कि दिवाला निकलना। खाल उठाए सिंह की, सियार सिंह नहीं होए यानी कि बाहरी रूप बदलने से गुण नहीं बदलते। खड़ी मजूरी चोखा काम यानी कि उचित परिश्रमिक से ही अच्छा काम होता है। खूंटा के बल बछड़ा कूदे यानी कि दूसरे के बल पर काम करना। खाक में मिलाना यानी कि नष्ट कर देना। खेल बिगाड़ना यानी कि काम बिगाड़ना। खरिया में कोयला यानी कि बेमेल मिश्रण। खबर लेना यानी कि दंड देना या फिर देखभाल करना, इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। खेत रहना यानी कि लड़ाई में मारा जाना। खाक उड़ाते फिरना यानी कि भटकना। खटाई में पड़ना यानी कि व्यवधान आ जाना। खरी खोटी सुनाना यानी कि डांटना फटकारना। खिचड़ी पकाना यानी कि आंतरिक षड्यंत्र रचना। खाक छानना यानी कि भटकते रहना। गुदरी का लाल यानी कि दीनता में अभिन्योति करने वाला। गाल फुलाना यानी कि रूठना नाराज होना। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज यानी कि मिथ्या स्वांग रचना। गाजर मूली समझना यानी कि महत्वहीन समझना। गोबर गणेश यानी कि बेवकूफ़।
गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना। गिन गिन कर दिन काटना यानी कि परेशानी में जीवन बिताना। गुल खिलाना यानी कि कोई बखेरा खड़ा करना। गुलर का कीड़ा यानी कि अल्पज्ञ व्यक्ति। गाढ़े का साथी यानी कि संकट काल में सहायता करने वाला। गाढ़े की नींव यानी कि संकट के समय का सहायक। गर्म होना यानी कि नाराज होना। गर्दन फंसना यानी कि परेशानी में पड़ना। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।